नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। जल्द खुलेंगे दो नए पर्यटन जोन। बच्ची की मौत के बाद गुलदार को पकड़ने के लिए लगाए गए तीन पिंजरे। UCDF में आंचल ब्रांड की 6 मिठाइयां हुई लॉन्च। कुआं महोत्सव में हुआ सांस्कृतिक एवं विविध खेल कार्यक्रम का आयोजन। अब केवल मुख्यमंत्री ही कर सकेंगे प्रदेश में लोकार्पण, आदेश हुए जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी किए थे। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स अनूप मलिक रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉर्बेट पार्क के साथ ही रामनगर वन प्रभाग व तराई पश्चिम के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही अनूप मलिक ने रामनगर वन प्रभाग व तराई पश्चिम के अंतर्गत बनाए जा रहे दो नए पर्यटन जोन का भी निरीक्षण किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। क्षेत्र भ्रमण पे आए हैं और जो गतिविधियां हैं हमारी, विशेषकर कॉर्बेट पार्क अभी खुल रहा है नजदीक भविष्य में, फिर कुछ इको टूरिज्म के कुछ डेस्टिनेशन डेवलप होने हैं तो उसको देखने के लिए आए। ये तो तराई वेस्ट में फांटो वाला एरिया, फिर रामनगर लाइक और इको टूरिज्म जोन जो है कार्य पूरी है। आपकी बार अंदर जो विजिटर्स के लिए जो अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाएगी। इको टूरिज्म जोन और अच्छे डेवलप कर रहे हैं और रामनगर में जो जितने भी बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं तो जो कॉर्बेट नहीं जा पाते उनको उसी लेवल का जो एक्सपीरियंस है वो हम रामनगर डिवीजन में और ट्राइबल डिवीजन में देने की कोशिश कर रहे हैं। रामनगर वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले कालाडोंगी क्षेत्र में दो दिन पूर्व गुलदार घर के आंगन में खेल रही 4 वर्षीय बच्ची गौरी पुत्री राजेंद्र गोंडा निवासी वार्ड नंबर 1 थाना कालाडोंगी को घर से 500 मीटर दूर घसीटता हुआ ले गया था, जिसमें घर वालों के चीखने चिल्लाने पर गुलदार बच्ची को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया था, जिसमें बच्ची की मौत हो गई थी। वहीं क्षेत्र में लगातार गुलदार की धमक से लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने विभाग से गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने की मांग की है, जिसके बाद विभाग द्वारा घटना वाले क्षेत्र में 3 पिंजरे अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं एवं गुलदार की मॉनिटरिंग के लिए क्षेत्र में लाइव कैमरा ट्रैक भी लगाए गए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये बहुत दुखद विषय है कि हमारे कालाडोंगी क्षेत्र में एक 4 साल की बच्ची को गुलदार ने हमला किया। हम अभी सारा कार्रवाई कर रहे हैं उनका, पहले तो मुआवजा का जो भी कार्रवाई चल रही है वो तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, और इसके साथ साथ ही हमने चीफ ऑफ वार्डन सर से परमिशन मांग लिया गया है पिंजरे लगाने के लिए, और डिट्रैंकुलाइज करने का भी परमिशन मांग लिया है, और इसका रेस्क्यू करने का भी जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है उसकी कार्रवाई चल रही है। अभी हम 3 जगह पे पिंजरे लगा दिए हैं उसमें, और उसके साथ साथ हमारा 2 जो डॉक्टर्स है, वेटरनरी डॉक्टर्स है, जो एक्सपर्ट्स है, उनको भी वहां तैनात कर दिया गया है। हमारा पूरा टीम वहीं पे है, वहां पे मौके पे अभी गश्त भी कर रहे हैं और गांव वालों के साथ मिलकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहाँ चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लो पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। हल्द्वानी उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन द्वारा प्रदेश भर में दीपावली त्योहार के मौके पर आंचल ब्रांड के 6 अलग अलग फ्लेवर की मिठाइयों को लॉन्च किया गया। हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में जीएम UCDF सहित अन्य अधिकारियों ने इस मिठाइयों के फ्लेवर को लॉन्च किया, जिस दौरान UCDF के GM डॉक्टर मोहन चंद ने बताया कि आंचल उत्पादन से बनी बाल मिठाई, चॉकलेट, सादा लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, पेड़ा और नान खटाई फ्लेवर में मिठाई लॉन्च की गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए आज हम लोगों ने जो है दीपावली के शुभ अवसर पर माननीय मंत्री जी के निर्देश पर 6 वेरिएंट हमने मिठाइयों को लॉन्च किया, जिसमें जो है चॉकलेट, दाल मिठाई, बेसन के लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, पेड़ा और नान खटाई। ये 6 वेरिएंट उत्तराखंड के समस्त जनपदों तक पहुंचवाने के निर्देश माननीय मंत्री जी ने दिए थे, उसके प्रतिपालन में पेड़ा और नान खटाई हम देहरादून रूपसन में जो है बनवा रहे हैं, और वहीं से जो है सभी जनपदों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 4 वेरिएंट जो बचे हैं हमारे बाल मिठाई, चॉकलेट, बेसन का लड्डू और ड्राई फ्रूट लड्डू, ये नैनीताल रूपसन में जो है बनवाया जा रहा है।
और विभिन्न उत्सवों के माध्यम से ये मिठाइयाँ उत्तराखंड के समस्त जनपदों को भुगतान तक पहुँचाई जाए। महोत्सव के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार शनिवार को राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के मैदान में सांस्कृतिक एवं विविध खेल कार्यक्रम आयोजित किए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा विभागों व जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश में लोकार्पण व शिलान्यास केवल मुख्यमंत्री ही कर सकेंगे। वहीं इस आदेश को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि मंत्री कोई भी हो वो मुख्यमंत्री के अधीन है, और हमारे यहाँ चूंकि यदि मुख्यमंत्री किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, मुझे आज भी सुबह मैं कह रहा था, वो निश्चित रूप से तमाम, चाहे वो विपक्ष के विधायक हों चाहे पक्ष के विधायक हों, सबका वो बहुत रिगार्ड करते हैं, और मंत्रियों का वो रिगार्ड करते ही हैं। और मुख्यमंत्री किसी भी परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन करता है तो मंत्री उसके अधीन है, कोई उसमें दिक्कत भी नहीं, अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें प्रदेश में मुख्यमंत्री मुखिया होता है, देश में प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, लेकिन उनके साथ जो कैबिनेट में मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री है, उनको भी विशेष अधिकार होते हैं। आज ये बात में जो आप कह रहे हैं, ये जिलाधिकारी को जो चिट्ठी लिखी गई है, इसमें ये कहा गया है कि अब मुख्यमंत्री के बगैर उद्घाटन नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि ये कैबिनेट मंत्रियों के अधिकारों का हनन है, और जो हमारी लोकतंत्र की सुंदरता है और जो हमारे लोकतंत्र का असली अर्थ है उसको तानाशाही की ओर ले जाने का काम हो रहा है। ये तो राजशाही जैसी बात हो गई कि जब राजा आदेश देगा तभी कुछ काम हो पाएगा। मुख्यमंत्री जो है सभी जो मंत्रालय है उनका हेड है, लेकिन उन्होंने उनके अधिकार क्षेत्र मंत्रिमंडल में बांट रखे, तो मंत्रिमंडल के लोगों को भी जो है कि उसमें उद्घाटन करने के अधिकार है। और मुझे एक चीज और बताइए, इतना बड़ा हमारा प्रदेश है या देश है, इसमें भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि सब जगह तो मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हो सकते, इसीलिए अगर सारे काम ही जो, फिर मुझे तो हिसाब से लगता है कैबिनेट को खत्म करना चाहिए, अकेला मुख्यमंत्री रहने देना चाहिए, जब उद्घाटन भी उन्हीं को करना है, काम भी उन्हीं को करना है, सारे ट्रांसफर भी उन्हीं को करने हैं, सब कुछ उनको करना है, तो फिर मंत्रियों का औचित्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्रियों के अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा लोकतंत्र है जिसमें सबको अपने अधिकार हैं, उन्हें एक व्यक्ति को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइज करने की जगह उसे सेंट्रलाइज किया जा रहा है, जो सही नहीं है, वो समाज के लिए भी सही नहीं है, वो हमारी इस व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है, और ज्यादा काम हम कर सके उसके लिए भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि ये आदेश गलत है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। भाजपा के कई नेता आगामी लोकसभा चुनाव की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए हैं और वह प्रत्याशी केवल कमल का फूल है। साधुना ने यह भी कहा कि यही सिद्धांत तो उत्तराखंड की पांचों सीटों पर लागू होगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के पांचों प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, वह कमल का फूल, इसलिए 100% जीत कमल की होगी। धन्यवाद। गुजरात से वापस लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही अभी तक लगभग 1,00,000 करोड़ से अधिक के MOU किए जा चुके हैं। उन्होंने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर कहा कि दिसंबर में आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट से पहले लंदन, बर्मिंगम, दिल्ली, दुबई, अबुधाबी के साथ ही चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में रोड शो आयोजित किए गए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, चेन्नई में भी काफ़ी सकारात्मक रूप से बहुत सारे जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश की करार के रूप में वहाँ भी हमको प्राप्त हुई थी, और बड़ा उत्साह चेन्नई में भी लोगों का रहा। और अहमदाबाद गुजरात में चूंकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है, चार धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो, या उत्तराखंड का मानसखंड हो, केदारखंड हो, हर क्षेत्र में
लोगों की आवाजाही है और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है, उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों के निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1,00,000 करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।